बताओ एक्स वाई जीरो पार्ट एफ फाइव तक एन तक नहीं नो सर। है ओके जी में फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव अ टैंक विद वर्टिकल वॉल्स इज माउंटेड सो दैट इट बेस इज एट द हाइट ऑफ 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड सो टैंक इज फिल्ड। अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम रेंज पूछी है। मैक्सिमम रेंज अनुष्का मैक्सिमम सर रेंज तो नहीं पूछी। नहीं मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होगी ये पूछिए। कितने एक्स पे होगी कितने डेप्थ पे होगी। सर जहां पे h/2 पे बेसिकली हाँ तो यहाँ पे टोटल हाइट लेनी है। सर, पर h तो वो है ना जो जितने में पानी है। देखो इसका रीजन ये टंकी यहाँ पे इस स्टैंड पे पड़ी है ठीक है। तो ये जो भी दे रखा है अपना 1.2 मीटर ऐसा नीचे वाला। नीचे वाला 1.2 है और ऊपर वाला 2.8 है ठीक है। तो टोटल ये कितनी होगी 4 हो गई। तो ऊपर से 2 मतलब यहाँ पे रेंज कब मैक्सिमम होती है जब नीचे वाली हाइट क्योंकि रेंज यहां तक है ना ये यहां तक है यहाँ पे रेंज देखनी है या यहाँ पे नीचे वाले पे रेंज देखनी है। तो नीचे वाले पर नीचे वाले पे देखेंगे ना तो रेंज जो होता है फॉर्मूला यू रूट ऑफ 2h/g जो फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल वाला होता है उसमें h ग्राउंड से होता है जहां पे फाइनली बॉडी ने स्ट्राइक करना है वो है। और जो रेंज में दूसरा अभी यहाँ की रेंज वाला जो फॉर्मूला है 2√h h-h ये है टॉप से ये वाली h-h है फ्रॉम बॉटम से तो टॉप से भी 2 होनी चाहिए बॉटम से भी 2 होनी चाहिए इसलिए यहां से आएगा which is यहां से भी 2 और नीचे से। सर आई थिंक अभी मतलब ये फॉर्मल मतलब ये डायरेक्टली ऐसे याद ब्लाइंडली नहीं कर लेना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे गलत होने के चांसेस तो हैं ही। नहीं मतलब अभी तो ये है कि ना कि हमें टोटल हाइट का हाफ देखना है। ओके सर। टोटल हाइट का ही हाफ कर रहे हैं ना। तुम्हें लॉजिक बता दिया इसके पीछे कि हमने टोटल हाइट का हाफ क्यों किया ठीक है। लॉजिक समझ आ गया यस सर। सर ठीक है। एनीथिंग एल्स टिल पार्ट जी इन पार्ट जी। चलो वन में बोलेंगे एफ में वन में फाइव तक टेन तक सेवेंथ सर पे। एट सेवेंथ और एट यस सर। क्वेश्चन नंबर सेवन इन अ लेमिनार फ्लो एट अ गिवन पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। हाँ जी सर इसमें मतलब जो एट अ गिवन पॉइंट मतलब एक ही उस लामिना पे या फिर एक पॉइंट पे हर पार्टिकल की बात सर, मुझे पहले भी इसमें मतलब एक डाउट आया था कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है जैसे हमने उसमें लिखा नहीं था कि एक पॉइंट पे सब पार्टिकल्स की फिलोसफी सेम होगी। सर एक पॉइंट पे तो एक ही पार्टिकल नहीं होएगा, इतने बहुत सारे कैसे हो जाएंगे। नहीं हर टाइम पे अगली बार दूसरा पार्टिकल होगा एक अगले एक सेकंड में दूसरा तीसरा पार्टिकल होगा ये बोल रहा है कि जब भी उस पॉइंट से कोई भी पार्टिकल गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ओके सर। सर और क्वेश्चन इसमें नंबर एट मतलब सेवेंथ में जो लैमिना पे एक पॉइंट कोई भी है ना, हाँ हो गया। क्वेश्चन यस नंबर सर। एट ओके एट वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया अंडर कांस्टेंट प्रेशर एट सम प्लेस द पाइप बिकम्स नैरो द प्रेशर ऑफ द वाटर एट दैट प्लेस। हाँ जी सर पहले तो बोल दिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, फिर बोल दिया नैरो। नहीं बाद में कुछ कर दिया ना नहीं कुछ ठीक है। एट सम प्लेस द पाइप बिकम्स नैरो तो अब मान लो सर कोई उसको इंक्रीज नहीं जीरो होगा, है इंक्रीज नहीं होगा।
water is flowing in a pipe of uniform cross-sectional area at constant interconversion. The pipe becomes narrow. The pressure is in height ki information di nahi hai. Water is under constant pressure at some place, the pipe becomes narrow. The pressure of the water. यार हम वेलोसिटी तो बता सकते हैं सर, क्या आएगी वेलोसिटी? नहीं, जहां पे नैरो करने का एरिया कम हो जाएगा वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी? हाँ हाँ, जहां पे पाइप नैरो होगी एरिया कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस सर। इसका आंसर मुझे लगता है बी। क्या आंसर दिया इसका? बी होना चाहिए। डी दिया हुआ है। डिक्रीज। डिक्रीज दिया हुआ है सर, वो बस सेम हाइट पे मान ली रहा, आई थिंक। फिर सेम हाइट लेनी पड़ेगी हमें, है ना? ओके, वाटर फ्लोइंग। चलो खैर, तो प्रेशर और दूसरा होता है वेलोसिटी वाली टर्म। वेलोसिटी वाली टर्म क्या हो जाएगी? एरिया हो गया कम, वेलोसिटी बढ़ गई, तो प्रेशर कम। यस सर, ठीक है, ठीक है। या इसको हॉरिजॉन्टल लिख लो, वाटर इज फ्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल पाइप। और ये भी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है 12th इसकी। वो होता है ना, जो जैसे वो दवाई नहीं छिड़कते खेतों में पंप लगा के, वैसा। हाँ जी सर, वैसा कुछ है ये। वो तो क्या होगा तुम लोगों का, हो गया ये? यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना इस ट्यूब में, यहाँ पे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। इसलिए लिक्विड राइज कर जाता है। 15 तक, 15 एरिया कितना लिया? 25 नहीं ना लेना, ईच विंग का एरिया 25 है। अच्छा, 50 लेना। हाँ, तो दोनों विंग्स का एरिया क्या हो जाएगा? 50। सर, और इसमें मतलब डेल्टा भी निकाल के इनटू एरिया। बिल्कुल। और सर 16th में भी हमें डाउट, सर 16th में एक ही वेलोसिटी दे रखी है, तो क्लोज ओवर। तो सर जो वे मतलब डेल्टा पी निकालने के लिए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा ना, वो क्या अंदर घर के अंदर तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो ही होगी, राइट? ठीक है, यस सर। हाँ भाई, जी पार्ट में बोलेंगे 6 तक। डाउट जी पार्ट में? नो सर। ठीक है, चलो डन, चले आगे। यस सर, यस सर।